अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शोएब रियाज। तो उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। इस टाइम जहां जहां भी आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, जहां जहां भी, तो उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, आज की जो मेरी जो वीडियो है ये YouTube बिगनर्स के लिए है, क्योंकि मैं भी YouTube बिगनर हूँ। तो जिन जिन चीज़ों के मसले, प्रॉब्लम्स मुझे आ रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें अपने दोस्त जो भी YouTube बिजनेस हैं उनके साथ शेयर करूँ, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें और उनकी वीडियोज़ जो है ना वो बेहतर बन सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं इन लोगों को बताऊँगा, एक ऑप्शन है वाटरमार्क, कि वो YouTube में वो किस तरह और कहाँ से उसको ऑन कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा होगा। तो चले आए मेरे साथ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये वाटरमार्क के ऑप्शन कहाँ से ऑन करते हैं YouTube पर। तो जी दोस्तों, अभी ये मैंने YouTube को ओपन किया हुआ है गूगल क्रोम में। ठीक है, तो ये आप सामने देखेंगे कि ये राइट साइड पे कॉर्नर पे मेरी YouTube की प्रोफाइल की पिक्चर नज़र आ रही है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं YouTube स्टूडियो को क्लिक करूँगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने अपनी कोई भी वीडियो एड, रिमूव या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो हम लोग डायरेक्टली YouTube चैनल पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको YouTube स्टूडियो क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप YouTube स्टूडियो क्लिक करेंगे तो आपको ये नीचे क्रिएटर स्टूडियो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको क्लिक करें, इसको आप स्किप कर दें। ये आपके सामने YouTube का डैशबोर्ड होगा, ओपन होगा। ठीक है, डैशबोर्ड में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं। ठीक है, डैशबोर्ड, वीडियो मैनेजर, लाइव स्ट्रीमिंग, कम्युनिटी, चैनल। ठीक है, आप लोग चैनल पे क्लिक करेंगे, चैनल में ये नीचे आपको स्टेटस एंड फीचर, मोनेटाइजेशन, अपलोड डिफॉल्ट, ब्रांडिंग एडवांस। ठीक है, तो आप लोग ब्रांडिंग पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने ब्रांडिंग ओपन हो गया। ठीक है, ब्रांडिंग वाटरमार्क हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वाटरमार्क ऐड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने इसको रिमूव करके फिर दोबारा वाटरमार्क जो है ऐड करूंगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको रिमूव कर दें, वाटरमार्क जो ऑलरेडी था वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब मैं करूँगा ऐड अ वाटरमार्क। ठीक है, अब मैं ये मुझसे पूछा कि आप लोगों ने जो भी वाटरमार्क के लिए चीज़ लगानी है वो आप यहाँ से ऐड करें। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कुछ पिक्चर्स या आइकॉन जो है ना ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं गूगल से। ठीक है, तो वो मैं लगाऊंगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये मेरे पास जो कुछ पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई हैं वाटरमार्क के लिए। ठीक है, मैंने ये वाली सब्सक्राइब वाली सेलेक्ट कर ली। आप लोग अगर YouTube पे नए हैं तो आप लोग कोशिश करेंगे सब्सक्राइब वाली जो पिक्चर है वो लगाएं वाटरमार्क के लिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए अच्छी है। क्योंकि मैं भी YouTube पे नया हूँ तो मैं भी सब्सक्राइब वाली जो पिक्चर है एज ए वाटरमार्क यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरे नंबर पे वाटरमार्क के लिए आप जो भी पिक्चर यूज़ करें उसका कलर एक हो। ठीक है, और इसके अलावा उसका फॉर्मेट जो है वो PNG या GIF हो। ठीक है, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट आप लोग वाटरमार्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें, ये लिखा हुआ है PNG और GIF, ये दो फॉर्मेट आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया, फिर दोबारा इसको मैं सेव कर दूंगा। अब ये आपके सामने कुछ इस तरह का नज़र आएगा, और ये आपका जो वाटरमार्क है ये आपकी बाय डिफॉल्ट सारी वीडियो पे विजिबल होगा। ठीक है, अब आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आ रही है डिस्प्ले टाइम। ठीक है, इसको आप क्लिक करें, आप देखेंगे एंड ऑफ वीडियो, कस्टम स्टार्ट टाइम, एंटायर वीडियो। ठीक है, आप इसको कस्टम स्टार्ट टाइम कर दें। ठीक है, और इसको अपडेट कर दें। जब आप इसको सबको सेव कर देंगे तो ये मैंने एक ऑलरेडी अपनी वीडियो ओपन की हुई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरह आपका वाटरमार्क जो विजिबल होगा। ठीक है, ये मैंने अपनी वीडियो आपका एंड स्क्रीन ये किस तरह का राइट साइड पे आपका पे आपका वाटरमार्क, इसमें से कोई भी टेम्पलेट जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, करेंगे तो आपको ये इस तरह का कुछ सारे आपके टेम्पलेट तो ये आपको नजर आ रहा है। ये जो चीज है इसको कहते हैं हम लोग वाटरमार्क। ठीक है, अब ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, अगर कोई व्यूअर आपका आता है तो वो अगर इसके ऊपर कर्सर करेगा तो उसको इस तरह का विजिबल होगा, और अगर वो इस वाटरमार्क को क्लिक करता है तो आपका पूरा यूट्यूब चैनल जो है उसके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि मैं खुद भी YouTube बिगनर हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे तरह मेरे दोस्त YouTube के ऊपर नए हैं तो वो ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपने YouTube चैनल को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने रिसेंटली अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोग किस तरह एंड स्क्रीन ऑन कर सकते हैं, एंड स्क्रीन का फ़ायदा क्या, और उसके बाद आपकी वीडियो किस तरह की नज़र आएगी जो भी बंदा आपकी YouTube को विज़िट करे, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप अपनी YouTube की वीडियो को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।